सब्सक्राइब करें हमारे विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, विनोद की रसोई में आप सभी का स्वागत है। और बरसात का मौसम चल रहा है और इसी बरसात के मौसम में कई तरह के त्यौहार आते हैं। और अभी नागपंचमी यानी गुड़िया का त्यौहार और उसके बाद रक्षाबंधन का, और इसी त्यौहार के मौसम में अनारसे की गोली और अनारसे की पूड़ी बनती है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। क्योंकि ये जो रेसिपी, ये जो चीज़ है, ये इसी मौसम में बनता है। तो इससे पहले मैंने अनारसे की गोलियां बनाना आपको बताया है, तो आज हम आपको गुड़ वाले अनारसे की गोलियां कैसे बनती हैं तो वो बताएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया बनती है खाने में, तो आप उसको हमारे दिए तरीके से बनाएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गुड़ वाले अनारसे। गुड़ वाले अनारसे बनाने के लिए हमने ये चावल का आटा लिया हुआ है, और इस आटे को हमने पहले चावल को हमने करीब 500 ग्राम, ये हमारे 500 ग्राम आटा है, और 500 ग्राम चावल को हमने करीब 24 घंटे के लिए अच्छे से धो के इसको भिगो दिया था। और भिगोने के बाद उसका चावल को निचोड़ के और उसको हमने पंखी के नीचे 2 घंटे के लिए भीगने रख दिया था। और 2 घंटे यानी बिल्कुल हमें बिल्कुल कड़क नहीं करना है, हल्का सा नमी ही रखना है। और उसके बाद हमने इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है इस तरह, और चावल को बिल्कुल कड़क नहीं करना है, हल्का सा नम रहे तभी इसको हमें पीस लेना है। और हम गुड़ वाले अनारसे बना रहे हैं तो उसके लिए हमने गुड़ लिया हुआ है। हमारा ये 500 ग्राम हमारा चावल काटा है, तो इसमें हमारे करीब 200 ग्राम हमने गुड़ लिया हुआ है। गुड़ को दरदरा से हमने कूट लिया, या मिक्सी में भी इसको चला सकते हैं। और अनारसे के लिए हमने ये सफ़ेद वाला तिल लिया है, और तलने के लिए हम रिफाइंड या घी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से मसल के इसको इसका आटा तैयार करेंगे। और इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे, इसमें सारा चावल का आटा जो है वो डाल देंगे, और इसमें हम गुड़ डाल देंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और गुड़ और चावल को हाथ से मसलते हुए इसको हमें अच्छा सा इसका आटा तैयार करना है, और पानी हमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। इसको अच्छे से मसलेंगे, और थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है मसलते हुए, तभी आटा सही से बनेगा। और इसकी जो नमी होगी और गुड़ की जो हाथ से गर्माहट से ये गुड़ भी थोड़ा सा पिघलेगा, और उसी से हम इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। इसमें करीब 20 से 25 मिनट करीब लग जाते हैं इसको, तो इसको हम धीमे से ऐसे मसलते जाएंगे। देखिए धीमे धीमे ही गुड़ इसका पिघलना शुरू हो गया है, और जो चावल में नमी थी उससे भी धीमे धीमे ये एक अच्छा सा दो तैयार हो जाएगा। देखिए बनना शुरू हो गया है। इसको बराबर से चलाते हुए हम इसको और देखिए इसको मसलते हुए हमें 10 से 15 मिनट हो गए, और देखिए गुड़ भी अच्छे से पिघलना शुरू हो गया, देखिए लड्डू भी बनना शुरू हो गए। और थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छे से इसका एक डो तैयार हो जाएगा। बस में थोड़ा टाइम लगता है, बस यही है। और हमारे अनारसे ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, और बरसात के मौसम में इस तरह के अनारसे आप बनाएं बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इससे पहले मैंने शक्कर वाले अनारसे ही बनाना बताया है, तो देखिए इस तरह धीमे ये काफी अच्छे उसमें आ गया है, और इसको भी हम और भी करते जाएंगे।
और देखिए इस तरह ये हमारा डो बनके तैयार हो गया है। और इसको हम इतना करने में करीब 25 से 30 मिनट लग गए हैं, और इसको एक घंटे के लिए इसको ऐसे रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा अभी और पिघलेगा एक घंटे में, तो एक घंटे बाद इसको हम बनाना शुरू करेंगे। और इसको हम रख दे रहे हैं रेस्ट करने के लिए। और देखिए करीब इसको एक घंटा हो गया है, और देखिए अच्छे से ये पिघल गया है। और इसको हमने करीब एक से घंटे थोड़ा ज़्यादा हो गया है ये, और अच्छे से ये अभी सॉफ्ट हो गया है। और देखिए गुड़ भी अच्छे से पिघल गया है। अब इसको बनाना शुरू करेंगे, और एक तरफ हम कढ़ाई रख देंगे, इसमें हम तलेंगे तक तेल डाल के हम गर्म करेंगे, और उसके बाद हम ये बनाना शुरू करेंगे। और देखिए तेल हमने रख दिया कढ़ाई में, इसको हम रिफाइंड तेल में तल रहे हैं। तो इसको हमें बहुत तेज आंच पे नहीं तलना है, तो हम मीडियम तेल पे पहले आंच पे इसको गर्म करेंगे तेल को, और उधर हम बनाना शुरू करेंगे। और देखिए इसको हम इस तरह हाथ में ले लेंगे, और इसको हमें छोटी छोटी हमें बनानी है, तो इस तरह गोला हम ले लेंगे उसका हाथ से इसको हम। और देखिए इस तरह हम ले लेंगे, और इसको हम तेल में डालेंगे इस तरह। और इसको हाथ से हम ठीक कर लेंगे। देखिए इसको इस तरह हमने तेल लगा लिया है इस तरह, और इसको हम तलेंगे। और देखिए तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसको हम इस तरह डाल देंगे। और आंच को हमें बिल्कुल भी तेज नहीं रखना है, और एक बार हम कढ़ाई गर्म करने के बाद उसको हम धीमी आंच पे थोड़ा मीडियम पे कर देंगे। अगर तेज आंच कर देंगे तो हमारी ये ऐसे होगी नहीं, और इसको हम फौरन पलटेंगे नहीं, थोड़ी देर ऐसे ऊपर से तेल ऐसे ऐसे करते रहेंगे। और इसको धीमी धीमी आंच पे इसको हम, और इसको हमें एकदम से नहीं पलटना है, और इसको हम बस इसको बहुत ज्यादा हमें नहीं तलना है। देखिए इस तरह हमारा बनके तैयार है अंदर से, और इसी तरह हम सारे अंदर से बना लेंगे, और इसको प्लेट में निकालेंगे। और एक बार में हमने 4 से 5 डाले हैं, और इसको धीमी धीमी आंच पे इसको पकने देंगे, और 1 मिनट बाद इसको हम फौरन पलट लेंगे, और ऊपर से इसको हम ऐसे धीमी धीमी आंच पे तेल डालते रहेंगे। और आंच को थोड़ा मीडियम ही रखेंगे, जिससे अच्छे से हमारा ये अंदर से सिक जाए। और ये गुड़ वाले अंदर से थोड़ा जल्दी लाल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें गुड़ पड़ा होता है, और चीनी वाले थोड़ा देर से होते हैं, तो इसलिए इसको हम धीमी धीमी आंच पे इस तरह, और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये, तो इनको हम थोड़ा सा पलट लेंगे। और
और देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। आप देख सकते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और एक बार पकने में इसको करीब 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। सेम उसी प्रोसेस से हम और भी बनाएंगे और सेम तो उसी प्रोसेस से हमने इसको दूसरा खान भी बना रहे हैं। और इसको और लीजिए, हमने सारे नर्से बना के रख लिए हैं। और लीजिए, बनकर तैयार है हमारे गुड़ वाले अंदर से। आप इस बरसात के मौसम में इन अनरसों को बनाएं और इसको आप भाई दूज या रक्षाबंधन में भी बनाएं। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं, तो एक बार हमारे दिए तरीके इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स में हमारी वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।